Hello everyone, myself Himani Divan Dhingra and I am your Let's teacher. Today we learn so many things from the book Tiny Tots Mathematics Skill Book Pre-Primer from Acknowledged Series from Amit Publication. Today we learn additions of two-digit numbers. आज हम सीखेंगे टू डिजिट नंबर को एड एडिशन ऑफ अ टू डिजिट नंबर विद अ वन डिजिट नंबर. अ टू डिजिट नंबर हैज टू प्लेसेस, वंस एंड टेंस. वंस एंड टेंस थ्री वंस प्लेस डिजिट ओ, टू टेंस प्लेस डिजिट टी. When we add two-digit number with a one-digit number, we first add the ones digit and write the tens digit as it is. Like, hamara kya hai question? Like humne likha 2, 1, 21 plus 4. Ye kya hai hamara ones aur ye kya hai hamara tens. तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, हम जब भी अपने एडिशंस करेंगे टू डिजिट नंबर वाले तो हमें क्या करना है, फर्स्टली वी हैव टू प्लस द वंस डिजिट्स. जो वंस के नीचे होंगे नंबर हमें पहले उनको प्लस करना है. लाइक 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 5. और टेंस वाला नंबर हमारा एज इट इज ऐसे ही आएगा. तो आंसर क्या हुआ, 21 plus 4 equals to 25. यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है 4, 1, 41 plus 3. तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 5 स्ट्रॉस बनाने हैं. 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे कितने हैं, 3 नंबर है, तो हमें कितने बनाने हैं, 3 स्ट्रॉक्स बनाने हैं. 1, 2, 3. अब हमें इन सबको एक साथ काउंट करना है. 1, 2, 3, 4, 5. 5 को आप माइंड में रखेंगे और 3 से काउंटिंग करेंगे. 6, 7, 8. 5 plus 3 equals to 8. और 4 हमारा कैसे आएगा, एज इट इज ऐसे ही आएगा. 45 plus 3 equals to 48. Now add by drawing lines. अब हमें क्या करना है, हमने अभी strokes वाला method सीखा था. With the help of strokes हम आज ये सीखेंगे. यहाँ पे है number 1, तो हम कितने strokes बनाएंगे, only 1. अब यहाँ पे क्या है नंबर 3, तो हम कितने स्ट्रॉक्स बनाएंगे, 3, 1, 2, 3. अब हमें क्या करना है, हमने जितने भी स्ट्रॉक्स बनाए हैं उनको काउंट करना है. 1, 2, 3, 4. आंसर इज 4. और टेंस का 4 रिमेन ऐसे ही आ जाएगा. 41 plus 3 equals to 44. 62 plus 6. We have to make 2 strokes for number 2 and make 6 strokes for number 6. Like this. Now we have to count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 plus 6 equals to 8. Or tens mein hamara single number hai, single digit hai, to hum usko aise hi as it is likh denge. 62 plus 6 equals to 68. Now, rest of the sums you all have to do in your homework. Addition of two digit numbers. अभी तक हमने single digit number add करना सीखा था tens में. अब हम tens और ones दोनों में हम two digits number को add करना सीखेंगे. Add by drawing lines. First, add the ones together. हमें सबसे पहले क्या करना है, वंस वाले डिजिट को एड करना है. एंड आफ्टर दैट एड द टेंस टुगेदर. जब हम वंस वाले नंबर को एड कर देंगे उसके बाद क्या करना है, हमें टेंस वाले नंबर्स को एड करना है. लाइक 1, 2, 3.
1, 2, 3. Now make 2 strokes for number 2. 1, 2. अब इनको एक साथ काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5. नंबर क्या आया हमारा आंसर? 5. तो हमने क्या करा पहले? हमने वंस वाले डिजिट्स को प्लस करा. अब हम क्या करेंगे? हम टेंस वाले डिजिट्स को प्लस करेंगे. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो हमारा आंसर क्या आया? 75. हमने क्या करा था बच्चों? सबसे पहले हमने वंस को काउंट करा था, उसके बाद में हमने टेंस को ऐड करा था. नाउ अगेन, 1 stroke फॉर नंबर 1 एंड 3 strokes फॉर नंबर 3. 1, 2, 3. अब आपको इन्हें एक साथ काउंट करना है. 1, 2, 3, 4. द आंसर इज 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The answer is 84. Now, rest of the questions you all have to do in your homework. Now, next question is 35 plus 40. So, अभी हमने सीखा था कि अगर हम जीरो का एडिशन किसी भी नंबर के साथ करेंगे तो वो नंबर हमारा रिमेन ऐसे ही आ जाएगा, सेम आएगा वो नंबर. 5 plus 0, तो जीरो की तो कोई काउंटिंग नहीं होती है ना. तो यहाँ पे नंबर क्या है? 5. तो हम 5 को एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे. आई बात समझ में? तो हमने क्या करा था? वंस के नंबर्स को पहले प्लस किया था, अब हम करेंगे टेंस के नंबर्स को. 1, 2, 3, राइट? 1, 2, 3, 4. नाउ काउंट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. द आंसर इज 75. 1, 2, 3, 4. 4 strokes फॉर नंबर 4. नाउ मेक 3 strokes. 1, 2, 3. Now count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes! इसका मतलब आप सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि अब आप मुझे आंसर भी करने लग गए हो अच्छे से. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. अब क्या करना है हमें इसे? Yes, हमें इन सबको एक साथ काउंट करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आंसर इज 77. Now rest of the questions you all have to do in your homework. Story sums on addition. अब हम करेंगे story sums. कैसे करेंगे story sums? आज हम ये भी सीखेंगे. और मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो story sums भी बहुत अच्छे से आएंगे आपको समझ में. There were 3 birds on a branch. एक branch पे कितनी birds हैं? 3 birds हैं, right? 2 more joined them. अब पहले कितनी थी birds? 3 birds थी. अब 2 birds और आ गए, तो कितना हुआ हमारा? ये कितनी birds थी? 3 birds थी, right? ये कितनी birds है हमारी? 2 है. तो अब 3 और 2 birds को add कर दो. 1, 2, 3, 4, 5. The answer is 5. There were 5 balls. 3 more were added. यहाँ पे कितनी balls है? 5 balls. 1, 2, 3, 4, 5. कितनी balls है? 5. 3 more were added. अब इसमें 3 और add हो गई. 1, 2, 3. कितनी है ये? 3 है. How many are there altogether? तो अब इसमें question में पूछा है कि total में कितनी balls हैं? तो हमारी फर्स्ट कितनी बॉल्स थी? 5. तो लिख दीजिए ऐसे 5. आया समझ में? यहाँ पे कितनी बॉल्स है हमारी? 3 balls है, तो लिख दो यहाँ पे 3 ऐसे और प्लस का साइन बना दो. अब 5 और 3 या तो आप अपने माइंड वाले मेथड से कर लीजिए, या आप अपनी फिंगर्स वाली मेथड से कर लीजिए, या आप स्ट्रोक्स वाले मेथड से कर लीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. हमने यहाँ पे 5 strokes क्यों बनाए? क्योंकि हमारा नंबर क्या है? 5. और यहाँ पे हम कितने strokes बनाएंगे? Yes,
थ्री, वन टू थ्री। अब क्या करना है इसे? यस, अब हमें क्या करना है, इनको एक साथ काउंट करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। आंसर क्या आया हमारा? एट। देयर वर फोर फिश इन अ पॉन्ड। देयर वर फोर फिश इन अ पॉन्ड। एक पॉन्ड में कितनी फिश है? फोर फिश है। काउंट करके देखो, वन टू थ्री फोर, कितनी है? फोर। टू मोर ज्वाइन देम। अब टू मोर फिशेस ने उनको क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। हाउ मेनी आर देयर ऑल टुगेदर? अब हमें काउंट करना है कि एक साथ कितनी फिशेस हो गई है पॉन्ड में। तो पहले हमारी कितनी फिश थी? फोर। आप नंबर फोर ऐसे लिखेंगे। अब बाद में कितनी ऐड हुई थी इसमें? टू हुई थी। अब प्लस का साइन लगाओ, स्ट्रॉक्स बनाओ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। कितना आया हमारा आंसर? सिक्स। नाउ रेस्ट ऑफ द टू क्वेश्चंस यू ऑल हैव टू डू इन योर होमवर्क। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे एक्साइटेड फॉर क्लैंप ऑफ अनदर वीडियो।